हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सिंटर कॉम इंडिया लिमिटेड के कंपनी के बारे में। यह कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी है, कंपनी में करियर के क्या चांसेस हैं, जॉब के क्या चांसेस हैं, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, कंपनी के नेटवर्थ, प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, इसका एनुअल परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे और क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी चेक किया जाएगा। इसके बाद हम बताएंगे कि इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं, क्यों निवेश करना चाहिए या क्यों निवेश नहीं करना चाहिए, पूरे रीजंस के साथ इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होगा। तो वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर अंत तक, वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमें आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ सोशल मीडिया पर, जिससे कि सभी लोगों को इंटरकॉम इंडिया लिमिटेड कंपनी की जानकारी मिल सके, इसमें निवेश करके एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकें। सिंटरकॉम इंडिया लिमिटेड, सुपीरियर क्वालिटी इंजीनियर्ड विथ प्रिसीजन, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रिसीजन प्रोडक्ट्स तैयार करती है, एडिंग वैल्यू टू कस्टमर्स एंड द इंडस्ट्री बाय इंप्लाइंग टेक्नोलॉजी पावर्स क्वालिटी सिस्टम्स एंड रिसर्च बैक्ड इंजीनियरिंग ऑफ सिंटर्ड कंपोनेंट्स। तो लगातार रिसर्च करती है कंपनी, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार करती है, टेक्नोलॉजिकल पावर क्वालिटी सिस्टम तैयार करती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कंपनी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, द सिंटरकॉम इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव सिंटर्ड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन पुणे इंडिया। वी स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग मीडियम टू हाई डेंसिटी सिंटर्ड कंपोनेंट्स फॉर ऑटोमोटिव इंजन, पावर ट्रेन, एग्जॉस्ट सिस्टम एज वेल एज सेंसर कंपोनेंट्स फॉर अवर इस्टीम्ड ग्लोबल कस्टमर्स। तो कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है ये आपको पता होना चाहिए। लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स के कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंजिन्स, पावर ट्रेन, एग्जॉस्ट सिस्टम, सेंसर कंपोनेंट्स भी बनाती है कंपनी, ट्रांसमिशन गियर, सिंक्रो हब्स, एबीएस रिंग्स, सेंसर हेगो बॉसेस एंड फ्लेंजेस भी कंपनी बनाती है। कंपनी के कौन कौन से क्लाइंट हैं, तो ऑटोमोबाइल की जानी मानी कंपनियां इनके प्रोडक्ट्स बाई करती हैं अपने व्हीकल्स तैयार करने के लिए, जैसे कि हुंडई, महिंद्रा, फिएट, भारत बेज, बजाज, टाटा, मारुति सुजुकी, जैसी जानी मानी कंपनियां इनकी क्लाइंट हैं। कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो कंपनी इंजन तैयार करती है, ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार करते हैं, बॉडी और चेचेस भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। आप जैसा आप जानते हैं फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो कंपनी ने अभी से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। सिंटरकॉम इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द पाइनरी मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन पुणे। द कंपनी स्पेशलाइज इन द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स इन ऑटोमोटिव एक्सिलरी एप्लीकेशन, हेलिकल पुलीज फॉर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ईपीएस एप्लीकेशंस एंड हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स फॉर एक्चुएटर्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं तो ये प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाना शुरू कर दिए हैं। प्रोडक्ट्स के नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ऑटोमोटिव ज्वेलरी एप्लीकेशन, हेलिकल पुली फॉर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ईपीएस के लिए बनाते हैं कंपनी। तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले व्हीकल्स के कंपोनेंट्स कंपनी ने अभी से तैयार करने शुरू कर दिए हैं। तो ये थी कंपनी के बारे में जानकारी। कंपनी में करियर बनाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके इसमें आप जॉब हासिल कर सकते हैं, इस कंपनी में अपना करियर बना सकते हैं। चलिए, स्टॉक या शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो सिंटरकॉम इंडिया का शेयर प्राइस जान लीजिए, 89.05 रुपीज है। आज स्टॉक फ्लैट दिखाई दे रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, 1 वीक में बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं 5.29% के, 1 मंथ में 4.74% के रिटर्न, 1 ईयर में 10.50% की गिरावट हो चुकी है स्टॉक प्राइस में,
3 ईयर्स में बेहद ही शानदार 54.31% के रिटर्न, 5 ईयर्स में 14.74% के रिटर्न और ऑल 14.17% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में इसने निवेशकों को निराश किया है। टेक्निकल चार्ट देखकर हम आपको बताएंगे स्टॉक की चाल आगे कैसे रह सकती है। तो 1 ईयर टाइम फ्रेम पर आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये स्टॉक जो है 50 MA और 200 MA के रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, RSI 56 का है। स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है आगे ग्रो करने का। अभी बायर्स का हुजूम है, बायर्स तेजी से बढ़ रहे हैं स्टॉक में एंट्री करने के लिए। तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आने वाले समय में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक लो 70.30 का है, 52 वीक हाई 108 रुपीज का है। 52 वीक हाई से स्टॉक में बड़ी गिरावट दिख रही है जो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लो वॉल्यूम पर ट्रेडिंग हो रही है, वॉल्यूम केवल 576 का है और वैल्यू जो है 0.01 करोड़ की है। फंडामेंटल्स देखेंगे, 236 करोड़ की कंपनी है, पी रेशो नहीं दिया है, पीवी रेशो 2.37, इंडस्ट्री पी 46.89, डेट इक्विटी 0.25। तो कंपनी पर कर्ज है, मामूली सा कर्ज है। रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव, ईपीएस निगेटिव, डिविडेंड यील्ड नहीं दी, बुक वैल्यू 37.53, फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी नेगेटिव है जो कि स्टॉक के लिए नेगेटिव है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे नहीं है कंपनी के। फाइनेंशियल देखेंगे, रेवेन्यू जो है बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं, प्रॉफिट जो है इनके नेगेटिव में है, नेटवर्थ जो है लगातार गिरावट जारी है। नेटवर्थ में ईयरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, नेटवर्थ में तेजी के संकेत हैं। प्रॉफिट में देखिए, प्रॉफिट जो पहले पॉजिटिव थे अब नेगेटिव हो गए हैं। रेवेन्यू जो है अभी 2022 में रेवेन्यू में तेजी दिख रही है। तो इनके फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल बहुत अच्छे नहीं हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कॉम इंडिया लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जिग्नेश रावल हैं। कंपनी स्थापित हुई 2007 में एनएसए सिंबल सेंटर कॉम के नाम से। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 68.63% की होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 31.37% की होल्डिंग है। कंपनी में क्या न्यूज निकल कर आ रही है ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम इवेंट्स की बात कर लेते हैं। 37 मई 2022 को इनकी बोर्ड मीटिंग हो चुकी है। बोनस राइट स्पीड जैसे कोई न्यूज नहीं है, डिविडेंड जैसे कोई न्यूज नहीं है, कंपनी की कोई अनाउंसमेंट्स नहीं आ रही हैं अभी और अदर एक्शंस भी नहीं दिख रहे हैं। कंपनी में अगर न्यूज की बात करें तो सेंटर कॉम इंडिया स्टैंडअलोन दिसंबर 2021 नेट सेल्स एट ₹15.15 करोड़, डाउन 1.77% ईयर ऑन ईयर। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इनके फंडामेंटल और फाइनेंशियल नहीं है, लेकिन कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है और आगे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होने वाली है निश्चित रूप से। बाजार ट्रेंड की वेबसाइट पर है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने के लिए कहा गया है, रिकमेंडेशन है स्टॉक को बाई करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस में इसकी रेटिंग 3 स्टार है, तो बाई करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। साथ ही स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानना चाहते हैं कि स्टॉक्स में कमाई का मौका है, कौन से स्टॉक से दूर रहना है, स्टॉक मार्केट सीखना है, ओपन करना है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में, पूरा असिस्टेंस दिया जाएगा, पूरी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी लाइफ टाइम के लिए। आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही फॉर्म फिलअप करना ना भूलें, ये फॉर्म ऑनलाइन है और लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो इसको फॉर्म को फिलअप करके तुरंत ही कोर्स में रजिस्टर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।